The chord AB of a circle center O subtain an angle theta with the tangent at A to the circle, ठीक है? Then the measure of angle, angle AB. तो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँ, यहाँ पे फिगर ड्रॉ करूँ. अपने को क्या पता होता है, अपने को पता है कि AB जो है वो chord है और A पे अपन tangent ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बोल रहा है कि जो सेंटर पे ये एंगल बना रहा है ना, ये थीटा बना रहा है, तो है अपने को क्या बताना है, एंगल ए ओ बी. तो मैं इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, अपने को थोड़ा डायग्राम विजुलाइज हो कि क्या सिचुएशन है. तो मैं अपन सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है? लेट से ये अपना गिवन सर्कल है, ठीक है? इस सर्कल का इन्होंने क्या बोला है, सेंटर इन्होंने बोला है ओ. तो मैं इसका सेंटर क्या बोल देता हूँ, ओ. ये सेंटर है, एक कॉर्ड इन्होंने बताया है ए बी, तो ए बी मैं यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करता हूँ. लेट से ये क्या हो गया, ये अपना कॉर्ड हो गया ए बी. अब इन्होंने क्या बोल रहा है कि ए पे जो है ना इन्होंने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ठीक है? तो ए पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ. तो अगर मैं पॉइंट ए पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो लेट से ये कुछ ये वाला टेंजेंट हो गया, ठीक है? जो कि पॉइंट ए ये रहा, इसे मैं पॉइंट ए बोल देता हूँ, इसे पॉइंट बी बोल देता हूँ, और ये अपना सेंटर है. तो यहाँ पे अपन ने क्या टेंजेंट ड्रॉ किया है. अब इन्होंने क्या बोला है, एंगल इन्होंने बोला है कि एंगल जो ये होगा ये कितना होगा, ये एंगल जो होगा ये टोटल एंगल ये होगा अपना थीटा डिग्री, ठीक है? तो अपने को क्या निकालना है, एंगल ए बी ओ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे पहले थीटा दिखाता हूँ, थीटा एंगल इन्होंने किसको बोला है. अब अगर मैंने यहाँ पे सिचुएशन देखू तो सिचुएशन अपना पूरा क्लियर आ गया. क्या ए बी क्या था, कॉर्ड था, ए पे अपन ने टेंजेंट ड्रॉ किया है, ये क्या है, ये यहाँ पे टेंजेंट है, ठीक है? और इन्होंने एंगल ये वाले एंगल को इन्होंने क्या बोला है, ये टेंजेंट जो इसके साथ एंगल बना रही है, इस एंगल को इन्होंने थीटा बोला, ठीक है? तो अगर ये एंगल थीटा है, और अपन क्या जानते हैं, जो सेंटर से अगर अपन टेंजेंट पे जो लाइन डालते हैं वो क्या होता है, आपस में परपेंडिकुलर. मतलब ये लाइन जो होगा ये यहाँ पे क्या होगा, परपेंडिकुलर. तो अब अगर ये ओ ए क्या होगा, ओ ए और ओ बी क्या है, रेडियस. तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, ओ ए इजकल्स टू ओ बी, ये क्या है, ये रेडियाई, रेडियाई ऑफ सर्कल है. तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. तो अगर मैं ट्रायंगल ओ ए बी कंसिडर करूँ, तो इसमें अगर ओ ए और ओ बी इक्वल्स है तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. अगर ये इक्वल है तो मैं क्या बोलूंगा, ट्रायंगल ओ ए बी ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल. और ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया. तो इसमें कौन कौन से साइड्स इक्वल है, जो रेडियस है, तो मतलब ओ ए और ओ बी इक्वल्स है. तो ओ ए और ओ बी अगर इक्वल है, तो ओ ए और ओ बी अगर इक्वल है, अपन क्या बोल सकते हैं, इसके ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा. तो यहाँ से ओ ए और ओ बी अगर इक्वल है, तो इसके ऑपोजिट का एंगल भी इक्वल होगा. तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ओ ए और ओ बी के ऑपोजिट के एंगल के लिए, तो मैं बोल सकता हूँ एंगल ए बी ओ इजकल्स टू एंगल बी ए ओ, बी ए ओ. और अगर मैं एंगल बी ए ओ की वैल्यू देखूँ, तो बी ए ओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये टोटल एंगल क्या है, 90 डिग्री. उसमें ये टोटल एंगल थीटा है, उसमें समझिए 90 माइनस कर दो तो ये एंगल आ जाएगा. अपने को ये एंगल अगर बताना है, और ये एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा. इस एंगल को अपन क्या लिख सकते हैं, टोटल एंगल थीटा, और थीटा माइनस 90, तो ये आ जाएगा क्या, थीटा माइनस 90, ठीक है? तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा. अब अगर एक तो ये आंसर हो सकता है, अगर इन्होंने थीटा इसको बोला, ठीक है? अब इसका एक ऑपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट भी हो सकता है. अगर लेट से कॉर्ड ए बी को अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा फिगर डिपेंड करूँ, या तो ये केस हो सकता है, या ये आंसर अगर ऑप्शन में नहीं है, तो अपन एक दूसरा केस कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है? अब क्वेश्चन में इन्होंने थीटा के लिए कुछ मेंशन नहीं किया था, तो एक केस ये भी हो सकता है कि यहाँ पे जो एंगल ये है, लेट से ये एंगल को भी अपन क्या बोल सकते हैं, थीटा. ये एंगल भी हो सकता है थीटा, ठीक है? तो अगर ये एंगल थीटा होगा, तो अपन ये दो केस पॉसिबल हो सकता है. जो टेंजेंट दोनों साइड एंगल बनाएगा, ऑब्वियसली जो कॉर्ड ए बी है उससे दोनों साइड एंगल बनाएगा. तो एक केस जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया, और एक केस ये नीचे हो सकता है, ये एंगल नीचे एंगल थीटा बनाए. अब अगर ये एंगल थीटा है, तो अपन क्या जानते हैं आगे, अब अपन यहाँ पे भी ये जानेंगे कि ये जो है ये टेंजेंट पे क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा. तो अगर ये टेंजेंट पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल क्या होगा. तो यहाँ से भी अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी ओ, क्योंकि इस केस में भी ट्रायंगल जो होगा वो आइसोसेलेस होगा, क्योंकि ओ और ओ बी रेडियस इक्वल है. अपन क्या बोल सकते हैं, एंगल ए बी ओ इजिकल्स टू एंगल बी ए ओ. और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, ये टोटल एंगल कितना है, 90, और ये एंगल थीटा है. तो इस केस में अपन क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा. तो ये पॉसिबिलिटी है, अगर अपन जो कॉर्ड ए बी है टेंजेंट से किस साइड एंगल बना रहा है, उसके अकॉर्डिंग अपन ये वाली एंगल बताएंगे. तो इस केस में तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा
90 माइनस थीटा, और ये वाले एंगल भी सेम हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और इस वाले केस में क्या हो जाएगा, थीटा माइनस 90, वो डिपेंड करता है अपन कौन से एंगल को कंसीडर कर रहे हैं। तो अपना ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन हो तो अपन दोनों टिक कर देंगे, और बाकी दोनों में से जो ऑप्शन हो वो अपना आंसर हो जाएगा। तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है।